जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। सर्वोच्च अदालत की शान, रुतबा और सम्मान हमारे देश में अभी तक तो सर्वोपरि ही रहा है, लेकिन सर्वोच्च अदालत एक बार फिर सुर्खियों में है, और वो भी गलत वजहों से। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगने के बाद घमासान सा मच गया है। सबसे चिंताजनक तथ्य तो यह है कि इन दिनों इस संस्थान के खबरों में आने की वजह से लगातार विवाद हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके पीछे का सच। शुरुआत जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती है। जज गंभीर आरोप लगाते हैं, पूरा देश अवाक साथ देखता रहता है, लेकिन ये तो शुरुआत भर थी। देश के नामी उद्योगपति अनिल अंबानी की जमानत के बारे में अदालत की वेबसाइट पर गलत जानकारी अपलोड कर दी जाती है। हालांकि दोषी कर्मचारियों को इस कारगुजार की सजा जरूर मिल जाती है, लेकिन सवाल भी खड़ा हो जाता है कि आखिर कर्मचारी इतना बड़ा दुस्साहस कैसे कर लेते हैं। बता दें कि अनिल अंबानी को मदद पहुंचाने वाले सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व कर्मचारियों को कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के लिए बीते दिनों चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कार्रवाई करते हुए दोनों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। रफाल के मामले में भी टाइपिंग की गलती वाला विवाद सर्वोच्च अदालत की मौजूदा कार्यशैली पर ही सवाल खड़ा करता है। असल में ऐसी संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ अपनी साख, प्रतिष्ठा, कार्यशैली और उच्च कोटि की गुणवत्ता के कारण ही पहचानी जाती है। जब भी इस तरह के विवाद सामने आते हैं, पूरे देश का विश्वास डगमगा जाता है। हालांकि देश में न्यायपालिका की जड़ें बेहद मजबूत है और नागरिकों के भरोसे ने उन्हें सींच कर बेहद पुष्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी लगातार हो रहे यह विवाद न्यायपालिका की गहरी जड़ों को हिला सकते हैं। हाल ही में जो आरोप मुख्य न्यायाधीश पर लगे हैं, वो असल में एक व्यक्ति से जुड़ा मसला भर नहीं है। जिस तरह से इस पूरे मामले में बखेड़ा खड़ा हो रहा है, वो बेहद चिंताजनक है। बेंच फिक्सिंग के आरोपों को भी किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जा सकता। यदि ये आरोप अंश मात्र भी सही है, तो हमारी न्याय व्यवस्था पर ही सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आरोप देश के मुख्य न्यायाधीश पर लगे हैं। लिहाजा इनकी जांच बेहद गंभीरता के साथ जल्द से जल्द होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो यह न्याय तंत्र की छवि के लिए अच्छा साबित होगा।